नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी कुरकुरी नाचोस चिप्स की रेसिपी, जिन्हें हम सभी पसंद करते हैं और बाहर से लाकर खाते ही रहते हैं। तो चलिए आज हम इन्हें घर पर ही बनाते हैं और बहुत ही आसानी से मैं बताऊंगी इन्हें बनाना, और घर में जो चीज़ें हमारे हमेशा रहते हैं उन्हीं चीज़ों से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आटा 1 कप और 1 कॉर्नफ्लोर है 2 चम्मच लिए हैं, इनके जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं, और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा मोटे मोटे टुकड़े में कुटा हुआ आधा छोटी चम्मच लिए हैं, 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसके जगह लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं लेकिन इससे भी कम लीजिएगा, और नमक आधा छोटी चम्मच। तो अब सबसे पहले हम आटा में सारे चीज़ों को मिला लेते हैं। आटा, कॉर्नफ्लोर, हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं पहले। अब इनमें पानी डालकर गूथेंगे, और आटा गूथने का कन्फिडेंस नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा, एक ही बार में डालेंगे तो गीला हो जाएगा आटा। तो अब इन्हें मिला लेते हैं। डो को हमें टाइट ही रखना है, सॉफ्ट नहीं करना है, इसीलिए पानी थोड़ा कम ही डालिएगा और इन्हें मसल मसल कर इसे सॉफ्ट करेंगे। तो कर लेते हैं इन्हें इस तरह से प्रेस करते हुए इन्हें सॉफ्ट करेंगे। बाय द वे, आटा थोड़ा नरम हो जाए तो इसमें आटा ऐड करके टाइट कीजिएगा, और आटा जब ऐड कर रहे होंगे तो उसमें थोड़ा नमक भी मिला लीजिएगा उस आटे में, फिर डालिएगा और इसी तरह से गूंथ लीजिएगा। तो अब ये डो तैयार हो चुके हैं, हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से मसल लेते हैं ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हमें पानी डालकर गीला नहीं करना है बल्कि इसे मसल मसल कर सॉफ्ट करना है। तो कर लेते हैं। अब ये डो नाचोस बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये रोटी के आटे से ये अभी भी टाइट ही है, इसी तरह का हमें आटा चाहिए, और इसमें पानी आधा कप से भी कम लगा है, वैसे आटा की क्वालिटी पर भी कम ज़्यादा पानी लग सकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा आटा में पानी। डो को 2 भागों में बांट लिए हैं, अब इन्हें बेलेंगे। तो एक इस तरह का बोर्ड ले लेंगे और किचन टॉप पर भी इन्हें बेल सकते हैं। तो इनमें तेल लगा लेते हैं थोड़ा सा। अब लोई को इस तरह से हाथों से गोल करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और बेलेंगे। इन्हें हमें बहुत पतला बेलना है जितना हम बेल सके, इसीलिए हमें टाइट डो चाहिए, ये टाइट है इसीलिए हम पतला बेल सके हैं। और अब इन्हें फोर्क कर लेंगे, और बेलते समय एक साथ बेलिएगा, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रखिएगा, और प्रिक भी इन्हें अच्छी तरह से कीजिएगा जिससे नाचोस तेल में डालते समय फूले ना। अब एक चाकू अथवा कटर से इस तरह से चारों किनारा काट देंगे ताकि ये चकोर हो जाए तो नाचोस चिप्स एक शेप में बनेंगे। अब इन्हें हटा लेते हैं चारों तरफ से। अब हम इन्हें इस तरह से काट लेंगे पहले। अब इन्हें हम इस तरह से त्रिकोण शेप में काटेंगे। अब इन्हें निकाल लेते हैं, देखिए इस तरह का शेप होनी चाहिए त्रिकोण। अब सारे नाचोस को एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं, और बाकी का भी इसी तरह से बेल लेंगे, और दूसरे तरह से भी मैं बेलकर काटना बताती हूँ, वो इससे भी आसान है काटना, तो चलिए बताती हूँ। तो एक पतले गोल रोटी के आकार दीजिएगा और इन्हें पहले पिट कर लीजिएगा तब काटिएगा। मैं अभी इन्हें नहीं किए हैं क्योंकि मुझे एक ही शेप में बनानी है, तो इन्हें तोड़कर मैं बनाऊंगी। आपको मैं जस्ट दिखाना चाहती थी इसलिए मैं इस तरह से करके दिखाई हूँ। और देखिए ये भी त्रिकोण शेप में कटकर तैयार है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए दोबारा भी बेलकर मैंने काट लिए हैं, और इन्हें अलग अलग काट कर रखिएगा, वैसे आप एक बाइज को तलने के लिए रखें और दूसरा भी बेलकर काट सकते हैं, मैं आपको एक ही बार में काट कर दिखाई हूँ इसीलिए। तो अब चलिए गैस की तरफ इन्हें तलते हैं।
तो पेन में तेल गरम हो चुका है और नाचो तलने के लिए तेल हमें मीडियम हॉट चाहिए। और अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है और जब सभी नाचोज हम तलने के लिए रख लेंगे पेन में तो हम मीडियम कर लेंगे गैस का फ्लेम और इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही अलट पलट कर क्रिस्पी सेकना है। तो गैस का फ्लेम अभी मीडियम कर लेते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इन्हें एक तरफ से सिकने देते हैं। अब एक तरफ से ये क्रिस्पी हो चुके हैं, इन्हें पलट लेते हैं। इसी तरह से अलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ क्रिस्पी सेकेंगे हम। एक क्रिस्पी हो चुके हैं, देखिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी सेके हैं, देखिए। तो इसी तरह से सारे नाचोस को सेक लेंगे हम और ध्यान रखेंगे कि ये जले ना, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाएंगे। तो सारे नाचोस तलकर तैयार हो चुके हैं, अब इन्हें भी निकाल लेते हैं और इसका आवाज़ सुनिए। ये अच्छी तरह से सिकने के बाद इसी तरह के आवाज़ आने लगते हैं इनमें से, तो इन्हें अब निकाल लेते हैं। तो अब सारे नाचोस को तलकर तैयार कर लिए, अब चलिए इनके लिए सालसा सॉस बनाते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखे हैं। दो टमाटर को बारीक काट लिए हैं और एक प्याज को भी बारीक काट लिए हैं। दो हरी मिर्च को भी बारीक काट कर लिए हैं। थोड़ा सा अदरक को भी बारीक काट लिए हैं और 5-7 कली लहसुन का भी बारीक काट कर लिए हैं। थोड़ा सा पुदीना का पत्ता को भी बारीक काट लिए हैं और इसके जगह आप धनिया पत्ता भी ले सकते हैं, दोनों मिला कर ले सकते हैं। आज मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था। ऑलिव ऑयल 1 छोटी चम्मच, इसके जगह कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। नमक 1 छोटी चम्मच या आपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। एक नींबू का रस और 2 बड़े चम्मच टमाटर सॉस लिए हैं। तो चलिए अब सॉस बनाना शुरू करते हैं। तो एक बाउल में सारे चीज़ें डालकर मिला लेते हैं। और ये मैं आपको इंस्टेंट सालसा बता रही हूँ। वैसे सालसा बहुत तरह से बनाए जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ किसी रोज़ शेयर करूँगी। तो ये सारे चीज़ें डालकर मिला लेते हैं, बस सालसा तैयार है। और इसमें कुटी हुई काली मिर्च ज़रूर डालिएगा, मैं कुटकर अभी डालने वाली हूँ। तो इसमें काली मिर्च भी कुटकर डाल लिए हैं, अब सालसा तैयार है। तो सॉस हमारा तैयार है और नाचोज भी तैयार है। अब नाचोज के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लेते हैं। यदि चाट मसाला नहीं है तो थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काला नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाकर छिड़क लीजिएगा तो भी चलेगा। और थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये तीखी नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आएगा। और इसमें मैं 1 चम्मच काजू का पाउडर डाल रही हूँ। ऐसे चीज़ का पाउडर भी डाल सकते हैं और ये दोनों के बिना भी ये खा सकते हैं, वैसे भी ये बहुत टेस्टी लगती है। इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं, इन्हें हाथों से भी मिला सकते हैं। और देखिए इसका क्रिस्पीनेस, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाचोज बनकर हमारे घर में ही तैयार है। और बनाना कितना आसान है ये तो आपने देखा ही। और इसे पूरी तरह से ठंडी होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 1-1.5 महीने तक हम इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। तो अब आप इस तरह से घर पर नाचोज बनाइए, बच्चों को दीजिए, फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे आपको। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।